हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये सीधी वाली फिश जो है, इसकी फिश करी कैसे बनाएं, एकदम सिंपल से कम तेल मसाले में ढाबे जैसी फिश करी कैसे बनाएं। तो ये देख सकते हैं, मैंने 500 ग्राम मछली ले हुई है और इसे मैंने अच्छे से धुल भी लिया है। और ये देख सकते हैं, मैंने 2 मिर्ची ली हुई है, इसे भी मैंने कट कर लिया है। और ये है मेरा सरसों, पीला वाला सरसों है, इसे 20 ग्राम लगभग मैंने लिया है और इसे मैंने मिक्सी में पेस्ट भी बना लिया है इसका। और है मेरे पास टमाटर, टमाटर का भी मैंने 2 टमाटर लिया है मीडियम का और इसे भी मैंने मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। और ये है मेरे पास अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट, इन तीनों को मिला के मैंने पेस्ट बनाया है। तो हमको फिश करी अलग तरीके से बनानी है तो इन तीनों का पेस्ट बनाया है। लहसुन लिया है मैंने 20 ग्राम, अदरक लिया है मैंने 10 ग्राम और एक मीडियम साइज का प्याज लिया हुआ है। आइए अब फिश करी में हम हल्दी, लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट जो कि मैंने बनाया है, इसे अब तीनों को मिक्स करके हम फिश करी बनाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। तो आइए हम फिश करी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कि मैंने लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट लिया हुआ है, इस पेस्ट को हम डालेंगे मछली पे। थोड़ा सा रख देंगे, इतना सा लगभग मैंने रख लिया है। और ये है हल्दी, हल्दी थोड़ी सी डालेंगे, इतना सा हल्दी डाल देंगे और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, इतना ही डाल रही हूँ, थोड़ा सा और ले लेते हैं, ये डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। वो जो कि मैंने लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट रखा हुआ है उसे हम आगे भी यूज करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें तो इससे आपको सब समझ आएगा कि कैसे कैसे नए तरीके से फिश करी बनाएं। तो इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे सबको। देखिए, मैंने इसमें लहसुन, अदरक, प्याज और हल्दी नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे, तो आइए फ्राई करते हैं। मैंने देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में तेल भी मैंने 100 ग्राम लगभग डाल दिया है और तेल भी मेरा गर्म हो चुका है, तो हम फिश को फ्राई करेंगे। तो हम फिश को फ्राई कर लेते हैं। आप फ्लेम आपका हमेशा कम रहना चाहिए, ज्यादा नहीं रहना चाहिए। देखिए, मैंने फिश को तेल में डाल दिया है, अब ये फ्राई हो रहा है। 5 मिनट इसे फ्राई होने दें अच्छे से, ये लाल हो रहा है तो मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। अब इसको थोड़ी देर में ऐसे पलटा दें, देख सकते हैं आप, ऐसे पलटा दें, ऐसे दोनों साइड अच्छे से पकेगा हमारा फिश। देख सकते हैं लाल भी हो रहा है यह। देखिए, मछली मैंने फ्राई कर ली है और ये अच्छे से लाल भी हो चुकी है, तो अब हम इसमें ग्रेवी डालेंगे। तो आइए ग्रेवी डालते हैं। देखिए, तेल गर्म है, इसी तेल में मैंने फ्राई किया, तो ये मैंने मेथी लिया हुआ है चुटकी, इस मेथी को इसमें डाल देंगे। तेल गर्म ही है, मेथी डालने के बाद हम मिर्ची डाल देंगे इसमें। मिर्ची डालने के बाद ये जो कि मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था इसे हम डाल देंगे। और इसके बाद ये थोड़ा सा जो कि बचा था लहसुन, अदरक का पेस्ट और प्याज का, इसे भी डाल के अब इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्लेम एकदम कम होना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए, फ्लेम कभी भी तेज नहीं होना चाहिए गैस का। देखिए, ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें जो कि मैंने सरसों का पेस्ट बनाया था वो हम डाल दे सकते हैं और इसे भी हम 2-3 मिनट तक चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। Thank you.
देखिए मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले में हम सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसमें डालेंगे, मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है, इसमें गरम मसाला डालेंगे। और ये मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है जीरा मिर्च का पाउडर, ये डाल देंगे। और ये मैंने थोड़ी सी ली है 1/2 चम्मच लगभग मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, ये इसमें डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम पानी इसमें इस तरीके से डाल देंगे जिससे कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो सके। तो मैंने सारा डाल दिया है। अब इसे हम 5-7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। अब देखिए ये मसाला हो चुका है एकदम, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो पानी 1 गिलास लगभग डाल देंगे पानी, और इसे अब हम अच्छे से गरम पहले होने देंगे। इसे आप फ्लेम तेज भी कर सकते हैं जल्दी गर्म होने के लिए। मैं थोड़ा सा फ्लेम तेज कर देती हूँ यहाँ पे। पानी अब गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें फिश डाल देंगे। उबल चुका है पानी, देख सकते हैं आप अच्छे से। अब हम इसमें एक एक करके फिश डाल देंगे। और इसको अब अच्छे से ढक देंगे 5 मिनट तक इसे अच्छे से। देखिए अब हमारी मछली बन चुकी है, और देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी है, एकदम गाढ़ी, और मछली भी बहुत अच्छी बनी है, आप देख सकते हैं। अब ये खाने लायक हो गई है। अब इसे हम रोटी में, चावल में, पुलाव में, जिसमें खाना चाहें उसमें खा सकते हैं। अब हम गैस भी बंद कर देते हैं, गैस मैंने बंद कर दिया है। अब इसे जिसमें खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।